जिले के एटीएम की सुरक्षा अब राम भरोसे होने का चित्र दिखाई दे रहा है। पुलिस की सूचना की ओर बैंक अधिकारियों की अनदेखी नजर आ रही है। ग्राहकों को सुविधा होने चाहिए, इस उद्देश्य से कई बैंकों ने शहर के महत्वपूर्ण स्थान एटीएम की सुविधा करा दी है, लेकिन इस एटीएम के सामने सुरक्षा रक्षक नियुक्त करने की ओर अनदेखी की है। बैंकों को छोड़ा जाए तो कई एटीएम की सुरक्षा राम भरोसे होने का चित्र शहर में देखने को मिलता है। बैंक अधिकारियों की अनदेखी ग्राहकों के लिए सिरदर्द होने का दिखाई दे रहा है। चंद्रपुर शहर में प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों के साथ निजी एटीएम भी शुरू किए गए हैं। कोरोना के दिन होने से वहां बैंक की ओर से सुविधा होना जरूरी है, लेकिन कई एटीएम में कोई भी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना नहीं की गई है। सुरक्षा रक्षक नियुक्त करना भी बंधनकारक है, लेकिन इस ओर भी अनदेखी की गई है। कुछ दिन पूर्व पुलिस अधिकारी और बैंक के अधिकारियों की बैठक हुई। इस समय एटीएम के सामने सुरक्षा रक्षक नियुक्त करने के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए गए थे, लेकिन बैंक अधिकारियों ने इस ओर अनदेखी की है। एक्चुअली नेमी ये बैंक से मीटिंग है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन मीटिंग बैंक मैनेजर्स यांचं सिक्युरिटी एजन्सी काय आहे आणि कसं एटीएम सुरक्षाबद्दल काय काय बँकेनी केलेले, खास करून ते सिक्युरिटी गार्ड्स आणि सीसीटीव्ही कॅमेराज कुठं कुठं आहे आम्ही ते सूचना देत असतो। सेकंड, आम्ही प्रत्येक नाईट ऑफिसरला सांगितले की त्यांचं हद्दीत आमचं नाईट पेट्रोलिंग असते, प्रत्येक ऑफिसर जाऊन एटीएम खास करून मोठं मोठं जे एटीएम्स आहे तिथं जाऊन आम्ही चेक करत असतो। आणि खास करून एक बल्लारचा असा एक गुन्हा आहे, रात्री 3:30 एक एटीएमचं चोरीचं प्रयत्न चालू होतं, नंतर ते अलाराम कॉल आला आमचा थानेदारला, तिथून लगेच आमचं टीम स्पॉटला गेले आणि आरोपी पण पकडले गेले नेक्स्ट दिवशी। बँकेचं स्वतःचं त्यांचं सिक्युरिटी एजन्सी आणि सिक्युरिटी ऑडिटमध्ये त्यांना सिक्युरिटी द्यायचं असते, त्याच्यामध्ये आमचं कोऑर्डिनेशन असते आणि बँक स्वतः त्याचं सिक्युरिटी करत असतात।